मोदी ने आज होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के पिपरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया है। होशंगाबाद से जो लहर उठी वो पूरे देश में फैल गई और पूरे देश से बस एक ही आवाज आ रही है, देश के हर कोने में फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। उनका जन्म स्थान महू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हमें उन्हें वो सम्मान देने का सौभाग्य मिला जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कभी नहीं दिया। बाबा साहेब के बनाए संविधान के कारण ही आज एक गरीब माँ का बेटा मोदी तीसरी बार सेवा करने के लिए आपका आशीर्वाद मांग रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में 3 करोड़ घर बनाने का हमने संकल्प लिया है। दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ होशंगाबाद के किसानों को भी करीब 400 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के मिले हैं। आने वाले 5 साल में ये पीएम किसान सम्मान निधि चालू रहेगी। करीब 2000 करोड़ रुपए यहाँ के किसानों के पास आएंगे और गरीबों को मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज चालू रहेगा और ये भी मोदी की गारंटी है। आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जन्मस्थली महू यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महू में उनका घर हो या देश विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों पर और उन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके कारण ही आज गरीब मां का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है।